नमस्कार बच्चों, आज की हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। वाह, कितना सुंदर दृश्य है। आइए देखते हैं इस चित्र में हमें क्या-क्या दिखाई दे रहा है। गाय जो हरी-हरी घास खा रही है, सुंदर-सुंदर फूल और एक तालाब जिसमें मछलियां तैर रही हैं, दो लड़के पतंग उड़ा रहे हैं। अरे अरे, गिलहरी भी पेड़ के नीचे बैठी है और घना पेड़ जिस पर मीठे फल लगे हैं। तो आपने देखा कि सभी का कोई ना कोई नाम है और यही नाम इनकी पहचान है, यानी कि हम इन्हें इनके नाम से ही पहचानते हैं। आपका भी तो अपना एक नाम है ना? तो बच्चों, नाम भी कई तरह के होते हैं। इन चित्रों को ध्यान से देखिए। पहला चित्र लड़की का, जिसका नाम सुमन है। औरत, लड़का, जवाहरलाल नेहरू, ये भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। तो ये सभी क्या कहलाते हैं? व्यक्ति। दिए गए चित्रों को ध्यानपूर्वक देखिए और बताइए ये सभी चीजें क्या कहलाती हैं? कुर्सी, बोतल, तकिया, बर्तन। इन सभी चीजों में जान नहीं होती, इसलिए इन सभी चीजों को हम वस्तुएं कहते हैं। अरे वाह, इसमें तो बहुत सुंदर रंग बिरंगे जीव दिखाई दे रहे हैं। तितली, कुत्ता, मछली, मोर। और ये सभी क्या हैं? पशु पक्षी। आइए अब हम कुछ प्रश्नों के उत्तर जानते हैं। मछलियां कहाँ तैरती हैं? तालाब में। हम सब कहाँ रहते हैं? घर में। हम पढ़ने कहाँ जाते हैं? विद्यालय में। और हम सैर करने कहाँ जाते हैं? बगीचे में। तो तालाब, घर, विद्यालय, बगीचा, ये सभी क्या कहलाते हैं? स्थान यानी जगह। इस तरह आपने जाना कि प्रत्येक व्यक्ति का अपना नाम होता है, इसी नाम को हम संज्ञा कहते हैं। तो अब हम जानते हैं संज्ञा की परिभाषा। किसी भी व्यक्ति, पशु पक्षी, वस्तु, स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। आइए अब संज्ञा का अभ्यास करते हैं। दिए गए वाक्यों को पढ़िए और संज्ञा शब्दों को छांटिए। फूल पर तितली बैठी है, इसमें संज्ञा क्या है? फूल और तितली। रमेश का घर बड़ा है,
इसमें संज्ञा क्या होंगे? रमेश, क्योंकि ये व्यक्ति का नाम है। और घर, घर स्थान जगह का नाम है। पिताजी बाजार से आम लाए। इसमें पिताजी व्यक्ति, बाजार स्थान और आम वस्तु, तो ये तीनों शब्द संज्ञा हैं। किसान खेत में काम कर रहा है। किसान व्यक्ति और खेत स्थान, तो ये दोनों संज्ञा शब्द हुए। माँ मंदिर में पूजा कर रही है। माँ व्यक्ति का नाम और वो पूजा कहाँ कर रही है? मंदिर स्थान, तो ये दोनों भी संज्ञा शब्द हुए। संख्या का अभ्यास कीजिए। धन्यवाद।